उसे लेकर के भगवान राम के हाथों में दिया था
आज लंका पति रावण जब धरती पर गिर गया था, श्रोता बंधु धरती हिल गई थी, जैसे रावण धरती पर आया, भगवान श्री राम ने अपने भैया लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण राजनीति का भंडारी है, बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है, तो मेरा तुमसे ये कहना है कि एक बार लंकेश रावण धरती पर पड़े हुए हैं तो जाकर के राजनीति सीख, राजनीति सीख लो। ध्यान रखना, अपने से बड़ों से कुछ सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। अब सीखो एक ऐसे, सीखने की प्रक्रिया क्या है? सत्य बताना, अगर कुआं जब होता है और तुम्हें प्यास लग रही हो कुमार साहब, तो कुआं पर जाना पड़ेगा। जो अध्यापक जो लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, तो विद्यार्थी को इनके पास आना आना पड़ेगा। आपने देख लेना महाभारत को, रामायण को, जितने भी पुराण है भारत की संस्कृति के, सबको उठा के देखना, जब जब विद्या ग्रहण की है तब तब राजा महाराजाओं के लड़के भी जंगल में ऋषियों के पास पहुंचे विद्या ग्रहण करने के लिए। ये आज कैसा समय है? आज पप्पू शास्त्री से मैं स्वयं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, इस मंदिर पर खड़ा हूं, मेरे चेला मुझसे फोन करके कहते हैं कि क्या कथाएं बताए जाते हैं साहब, कपड़ा पहने आ रहे हैं, विचार कर, वो उन्हें ये भी पता नहीं है कि हम कही क्या रहे हैं, कि क्या कथे हमें बता देते हैं साहब, बिल्कुल बताएंगे आ रहे हैं क्या रही। लेकिन ये नहीं जानते वो कि विद्या अगर ग्रहण करनी होगी तो आपको गुरु के पास तक जाना है, और गुरु जी के पास कोई भी विद्वान क्यों ना हो, आप उस विद्वान से कुछ सीखना चाहते हो तो आपको उसके पास तक जाना होगा। तो आज जिस समय लक्ष्मण जी गए तो लक्ष्मण जी ने देखा कि लंकेश धरती पर पड़े हुए थे रावण, तो रावण के सिर की तरफ खड़े हुए लक्ष्मण और आवाज दी, लंकेश मैं मेरे भाई ने भेजा हूं, तो मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूं। पर रावण ने आवाज ही नहीं दी, तो लक्ष्मण लौट के आए, भैया राम वो तो मरने के बाद भी धरती पर बिल्कुल गिर गया तो वो अभिमानी है, उसका घमंड अभी चूर नहीं है। कि क्यों? कि भैया मैंने तो बहुत ही आवाज दी, परिवार के तो कही ना आवाज ही ना दी। श्री राम कहते हैं कि तुम खड़े कहां थे लक्ष्मण, कहां खड़े थे तुम? कि महाराज मैं सिर की तरफ खड़ा था, बिल्कुल गलत। अगर विद्वान से कुछ सीखना चाहते हो तो पैरों के सामने गए, पैरों तले खड़े हो। तो लक्ष्मण दोबारा गए और तब पैरों के सामने खड़े हुए, पैरों के सामने, और तब कही महाराज आप लंकापति नरेश रावण हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूं राजनीति के बारे में। ध्यान रखना रावण ने कही क्या थी, कि लक्ष्मण अब शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है।